नमस्कार, आप देख रहे द बिहार 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। राजधानी में बीते शुक्रवार को जमकर मेघ गर्जन के साथ दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे नगरवासियों का बारिश के पानी से हाल बेहाल है। बारिश के पानी के कारण हुए जल जमाव से लगातार राजधानी वासी परेशान है। इन स्थितियों पर लगातार बैठकों का दौर और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का निरीक्षण कार्य होता रहा। बावजूद इसके राजधानी के जल जमाव वाले इलाकों के अलावा राजधानी के पौश इलाकों में भी बारिश के पानी से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के पानी से डिप्टी सीएम का आवास भी अछूता नहीं रहा है। जल जमाव की स्थिति ने पटना नगर निगम की व्यवस्थाओं की सारी पोल खोल कर रख दी है। नगर निगम पर बेतहाशा फंड तो जरूर खर्च हो रहा है। बावजूद इसके राजधानी में जल जमाव की स्थिति बीते वर्षों की याद ताजा करवा रही है। बीते शुक्रवार की हुई बारिश के कारण नगर के कई इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। तस्वीरें साफ तौर पर नगर निगम के कार्यों की पोल खोलते नजर आ रही है, जहां बारिश के घंटों बीत जाने के बाद भी राजधानी में जल जमाव की निकासी नहीं हो पाई है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे खबरों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवाज। कितना पानी लगा हो, कितना परेशानी हो रहा? पानी तो देखिए रहे हैं कितना लगा हुआ है, और थोड़ा सा परेशानी तो हो ही रहा है। पानी धीरे धीरे कम रहा है, रात में अधिक वर्षा हो गया इसलिए पानी ज़्यादा लग गया। नगर निगम कर्मचारी को सूचना दिया गया है? सूचना दिया गया है, पानी थोड़ा थोड़ा निकल भी रहा है, प्रयास किया जा रहा है पानी निकालने के लिए। प्रयास कोई? हाँ, प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम का कर्मचारी अभी तक आया है इसलिए कि डिप्टी सीएम हैं? एक दो को आए हैं और थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं। उधर अंदर बलग में नाला है, उसको जाम हो गया है, खन के निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार। आप यहाँ क्या हैं? ड्राइवर।